रोडवेज बस और गैस टैंकर में भिड़ंत, 8 की मौके पर मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में कोहरे के कारण रोडवेज बस और गैस के टैंकर में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में मौके पर 8 यात्रियों के मरने और 2 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना से हड़कंप मच गया। भीषण सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। दरअसल ये भीषण सड़क हादसा घने कोहरे के चलते धनारी स्थित मुरादाबाद आगरा स्टेट हाईवे पर आज सुबह हुआ है। रोडवेज बस अलीगढ़ डिपो की बताई जा रही है। गैस टैंकर और बस में आमने सामने की टक्कर होने के चलते 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। सड़क पर दोनों गाड़ियों का मलबा फैला पड़ा भीषण हादसे की गवाही दे रहा है। ये धनारी थाना क्षेत्र में 2 किलोमीटर टुवर्ड्स बहजोई एक गैस कैप्सूल जो सामने पर है, वहाँ पर इसका दोनों का आमने सामने की टक्कर हुई है और उसमें अब तक 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। 25 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, जिसमें कि 5 लोग थोड़ा गंभीर रूप से घायल हैं, उनको हम लोग मुरादाबाद रेफर करा रहे हैं और बाकी यहाँ बचाव राहत कार्य चलाया जा रहा है। प्रथम दृष्टि सर हादसे का क्या माना जा रहा है? ये आज सुबह की घटना है, जिसमें कोहरे की वजह से एक टैंकर और एक रोडवेज बस, इन दोनों में आपस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें अभी तक हम लोगों का राहत कार्य जो चल रहा है उसमें करीब 7 लोगों की मृत्यु की आशंका लग रही है और इसके साथ में 25 लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। राहत कार्य लगातार चल रहा है, चूँकि ये गैस का टैंकर है इसलिए आसपास से भीड़ को हटाया गया है और इसमें मैं और DM साहब हम लोग मौके पर हैं और इसके साथ में ये अभी कुछ लोग हैं जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकाले जाने का कार्य चल रहा है।